दोस्तों भोले भंडारी, आज दिनांक 1 जुलाई 2020। दोस्तों आज परमात्मा बड़े मैसेज भेज रहा है। 1 जुलाई को ही पता नहीं क्या बात है, आज ही फिर तीसरा मैसेज भेजा। सुनो, लिखो डिवाइन मैसेज नंबर 3 1947 से अब तक के नेताओं, प्रशासकों, मजिस्ट्रेटों, थानेदारों, दलालों, पब्लिक संसाधन लूटने वाले धन कुबेरों, दलाल मीडिया वालों, सब सुन लो डिवाइन मैसेज नंबर 3 1947 से अब तक के नेताओं, प्रशासकों, मजिस्ट्रेटों, थानेदारों, दलालों, पब्लिक संसाधन लूटने वाले धन कुबेरों, दलाल मीडिया वालों, सब सुन लो। पहला क्या है कि तुम सबका हिसाब करने वाला आ गया है। हाँ भाई, देखो ये बड़े एस्ट्रोलॉजर कौन कौन चिल्ला रहे हैं कि वह आ गया है। क्या पता भाई आ भी गया हो। मुझे भी ऐसा लगता है कि वह आ गया है, आ रहा है। अब आप लोगों को ये देवी संदेश है कि अब आप लोग ऐसा ही करना, ऐसा करने में देर मत करना। कौन ये लोग? नेताओं, प्रशासकों, मजिस्ट्रेटों, थानेदारों, दलालों, धन कुबेरों, दलाल मीडिया वालों, आपको एक छोटा सा संदेश है। समय पता नहीं कैसा पलटा खाए। आपने जो भी धन 2 नंबर से गलत तरीके से, रिश्वतखोरी से जो भी कमाया है, देखो उस धन को सरेंडर कर दो। कम से कम उसमें से आधा हिस्सा अभी देश के गरीब लोगों के लिए, उनके भूख मिटाने के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, देश में से जाति व्यवस्था समाप्त करने के लिए, इसमें खर्च करना शुरू कर दो। उस मैसेज में बताया गया है कि भाई मंगल, यह लोगों को चेतावनी दे दो, सलाह दे दो, करें तो अच्छा है, उनके साथ कुछ रियायत बरती जा सकती है। बड़े बड़े नेताओं ने, बड़े बड़े अफसरों ने, कलेक्टरों ने, SDO ने, थानेदारों ने, SPO ने, छोटे छोटे पटवारी ने भी, सब देखो जिसने देखो कैसे कैसे अपने घर भर लिए, और जिसका परिणाम यह है कि देश को अन्न खिलाने वाला, देश के लिए अन्न पैदा करने वाला किसान कितनी आत्महत्या करता है और सारा देश हुआ हुआ करता है। कोई कहता है मैं दुबई घूमने जाऊंगा, कोई कहता है कि मैं फलानी कार में सफ़र करूंगा। बेशर्म सभ्यता, आज की भारतीय सभ्यता। उस संदेश में आया है कि लोगों को समझा दो मंगल, कहीं लोगों के साथ जाति नहीं हो जाए, कुछ लोग समझ जाएं तो अच्छा है। देखो ईश्वर के नियम बड़े क्लियर हैं, और उसके घर न देर है न अंधेर है। उसके घर कुछ नियम ऐसे हैं जो हमें समझ में नहीं आते। हम समझते हैं कि वहाँ देर भी है, अंधेर भी है, लेकिन वहाँ न तो देर है न अंधेर है। उस देवी संदेश ने कहा है कि देखो उन नेताओं को देखो जो कहते थे कि मेरे बाप का घर है, यह तो मेरी मम्मी का राज है,
ये तो मेरे घर वाले का राज्य है तो मेरा क्यों नहीं होगा। और उनके साथ कैसा बुरा हो गया, उनके साथ ऐसा बुरा ऐसे ही नहीं हुआ, ये उनके कर्मों में, ये उनके डीड्स में नीत था। देखो नेताओं, प्रशासकों, मजिस्ट्रेटों, थानेदारों, दलालों, दलाल मीडिया वालों, सब इस देवी संदेश को सुन लो, बहुत बुरा हो जाएगा, क्योंकि सब का हिसाब करने वाला वह आ पहुंचा है। हमें भी ये मैसेज मिला है। अब भाई हम करें क्या? यदि आपको यह देवी संदेश मिले तो अभी से शुरू कर दो। आप समझते हैं कि हमारे पास इतना लूट का धन था, उसमें से आधा धन अभी शुरू कर दो, गरीबों की शिक्षा के लिए, उनकी भूख मिटाने के लिए, उनको न्याय देने के लिए, उनको समानता देने के लिए, देश से जाति प्रथा मिटाने के लिए, और इसका हिसाब बाकायदे डॉक्यूमेंट्स में अपने पास रखो। हो सकता है आने वाला प्रशासक, इस देश का कोई बड़ा प्रथम प्रशासक, आप लोगों से हिसाब मांगे कि आपको संदेश मिलने के बाद क्या आपने कुछ किया, और उसी हिसाब से आप लोगों के साथ रियायत बरती जाए। उस देवी दुनिया में किसी के साथ कोई रियायत नहीं है, सबको अपने अपने कर्मों का फल मिलता है, जैसे उन नेताओं को मिला, आप लोगों को भी मिल जाएगा, कहीं वो भयानक तरीके से नहीं मिल जाए। इसलिए अब आप ऐसा करिए, कुछ मैं अभी कुछ मजिस्ट्रेटों के बारे में बोल दूं। अभी मैं सोशल मीडिया पर पढ़ रहा था कि देखो भाई फलाना फलाना मजिस्ट्रेट, वो हार्ले डेविडसन कौन सी मोटरसाइकिल है उसकी सवारी कर रहा है। हाँ भाई सवारी करने दो, वह तो 5-5 करोड़ की कारों की भी सवारी करेगा, जो मजा वजा हो जाए वो कर लेने दो, जीवन का क्या भरोसा, क्या पता समय कैसा पलटा खाए। समय एक पानी का सा बुलबुला है, जीवन एक पानी का सा बुलबुला है, इसका कोई पता नहीं। हाँ ये वही मजिस्ट्रेट था जिसके पास CAA जैसे काले कानून को सुनने के लिए समय नहीं, पलायन करते करते भूखे प्यासे मजदूरों को, तड़पते मजदूरों को देखकर उनको सुनने का जिसके पास समय नहीं। मेरे शब्दों को याद रखना, मेरे शब्दों को याद रखना, इन मजिस्ट्रेटों का हिसाब भी समय करेगा, समय सबसे बड़ा मजिस्ट्रेट है। देश में गरीबों के साथ, अशिक्षितों के साथ, भूखे नंगों के साथ बड़ा अन्याय अत्याचार हुआ है, उस परिवार की बात तो हमने करी। देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जैसा था कि भाई देखो इन OBCs के लिए भी अपने हिसाब से कल को कुछ करना है, कमीशन बिठाना है। कमीशन बिठाने में 1950 से लेकर 1992 तक 40 साल ले गए, हा हा हू करने लगे, हम कोई क्या कर सकता है। 1992 में जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो फिर वही गुर्गे मिले, वही मजिस्ट्रेट मिले, उन्होंने कहा ये अधिकार ले कैसे जाएंगे, अब ये शिकार मेरे पास आ गया तो क्या करें। 52-55% रखने जनसंख्या वाले OBCs को उन्होंने कह दिया 27% मिलेगा, 27% में भी वो इकोनॉमिक लेयर ऐसी लगाई कि कोई क्या पड़ जाएगा, कोई क्या बन जाएगा।
उनसे पूछे कि भाई मजिस्ट्रेटो जरा ये तो बताओ कि 55% 52% जनसंख्या वालों को तुमने 27% दिया, वो कैसे कैलकुलेट किया, वो कैसे किस पैमाने से आया, उसका आधार क्या था, संविधान या देश के कानूनों में उसका क्या प्रावधान था कि 55% वालों को तुमने 27% दे दिया, 50% से ज़्यादा क्यों नहीं हो सकता। और फिर उसमें भी इकोनॉमिक लेयर ऐसे लगाकर कोई क्या प्राप्त कर जाए, 55% वाले बेचारे 4% पर सिमट कर रह गए, और उसमें भी प्रथम श्रेणी के अधिकारियों में तो लगभग कुछ नहीं, कोई क्या कर लेगा, यहाँ मेरा ही मेरा राज्य है, यहाँ भी मेरा वहाँ भी मेरा, चाहे जैसे कर लो। जैसे इस देश में हजारों साल हुआ, एक दिन हम बोल रहे थे कि देखो कोई नियम कैसा भी चले, किसी पोखर में किसी समुद्र में किसी झोड़ में हजारों साल से यह नियम चलता आ रहा है कि बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खाती रही हैं और बड़ियों को कोई नहीं खाता। लेकिन समय बदलता भी है, जब जाल डलता है तो बड़ी बड़ी मछलियों को निकाल दिया जाता है, छोटी छोड़ दी जाती हैं। समय कैसा पलटा ले सकता है। अब तो सब को ये संदेश है कि भाई संभल जाओ, इस देश में मानवता के साथ बड़ा अन्याय अत्याचार हुआ है। मैं वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, देश में कुछ करना चाहते हैं, आप लोग इन सब की लिस्ट बनाइए, वह कौन सा मजिस्ट्रेट था जिसने संविधान के विरुद्ध जाकर यह काम किया था, उसके नाम पते लो। कल को समय कोई ऐसा आ सकता है और आएगा, कोई प्रशासक ऐसा आएगा जो इन लोगों को दंड देगा, पूछेगा कि बता भाई मजिस्ट्रेट तुमने ये कर कैसे दिया। ये मिलावट करने वालों को, ये गवर्नमेंट के संसाधनों को लूटने वालों को, इस हर एक का आप नेम पता रखिए, उनके डॉक्यूमेंट्स उनके प्रूफ रखिए, आने वाला प्रशासन आप लोगों को इनाम देगा और इस देश में बड़े आमूलचूल परिवर्तन होंगे। आप और हम करने वाले कौन होते हैं, समय सब करेगा, मुझे यह बताया गया है। इस देवी संदेश को सुनने का मतलब होगा कि सबका अपने अपने में सुधार करना, जिससे कि आने वाला समय, आने वाला एडमिनिस्ट्रेटर, आने वाला न्याय व्यवस्था आप लोगों के साथ कोई रहम कर सके, वरना रहम होगी नहीं। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।